अभी रात हो रही है तो मैं अंदर जा रहा हूँ सोने सोने सोने। ये देखो कौन आ गया। हेलो सर, कैसे हो सर? बात सुने, बात सुने, बात सुन, बात सुन, बात सुन, बात सुन, बात सुन। मर जा मर जा। अरे यार ये भाग गया, ये मैंने लगता है गलती कर दी। बस कर जा, मुझे डर लग रहा है। बस कर। तो ये मार्स मिशन है और एपिसोड 4 चल रहा है। स्टार्ट में क्या हुआ था कि हम अकेले थे, हमारे अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मेरे साथ एनिमल्स भी हैं और हमने बहुत सारे पेड़ भी उगाए हैं। और यही नहीं, लास्ट के एपिसोड में ना हमने क्या किया था कि मॉब्स को भी एक्टिव कर दिया था। और अब देखो मेरे अलावा इस प्लेनेट पे मॉब्स भी हैं, यानी कि मैं अकेला इन सब का सामना करूँगा। तो हमने काफ़ी ज़्यादा मार्स को कन्वर्ट कर दिया अपने अर्थ की तरह, लेकिन अभी भी पूरी तरह कन्वर्ट नहीं हुआ। जब ये पूरी तरह कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलो आज देखते हैं हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो हमारे पास एनिमल्स की एक एक जोड़ी है जिनकी हमें पॉपुलेशन इंक्रीज़ करनी है, यानी कि इनको खाना वाना खिला के इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करनी है। तो चलो यार, तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि यहाँ से ग्रास काटते हैं ताकि हम काऊ और भैंस को ना खाना खिला सकें। और उनको खाना खिलाएंगे तो उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, वो बच्चे देंगे और हमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे चाहिए। ठीक है, तो चलो यार अभी बस इतने से काफ़ी हैं, क्योंकि हमारे पास एक एक जोड़ी है। तो उनको खाना खिलाएंगे, वो बच्चे देंगे, वो बड़े होंगे तो ही दूसरे बच्चे आएंगे। तो एक काम करो, इनको वापस से उगा देते हैं, इनकी हमें वापस से ज़रूरत पड़ेगी। तो कोई सोच भी सकता है कि मैंने घास उगाया, वो भी मार्स में। ये जस्ट अ गेम है तो इसको इतना सीरियस मत लेना। मार्स में कोई घास वास नहीं उग सकता। ठीक है, तो चलो इनको कुछ खिला देते हैं। चलो बच्चों कुछ खा लो, चलो खा लो जल्दी, तुम्हें बड़ा होना है और अंडे देने हैं, और अंडे देने हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा और भी बच्चे निकलने हैं। ठीक है, जल्दी से, तो इनको तो बड़ा हो जाएंगे। एक काम करते हैं कि इनको भी खाना खिलाते हैं। चलो एक एक बच्चा दो, चलो जल्दी। वैसे ये तो बच्चा नहीं देगा यार। ठीक है, ये बच्चा नहीं देगा क्योंकि ये घास नहीं खाता। वैसे घास खाता है लेकिन हमसे नहीं खा रहा, पता नहीं क्यों। ये मुझे कमेंट्स करके बताओ कि ये बच्चे कैसे देंगे, गधे यानी कि डोंकी बच्चे कैसे देंगे, मुझे बताओ। तो चलो, ये एक हो गया और दूसरा कहाँ गया? ये ओके, एक बेबी और आ गया। वाह, तो सही है, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं टाइम के साथ, और भी ज़्यादा जल्दी से इंक्रीज़ होंगे। बस चार मुर्गियाँ हो गई हमारे पास, ये अंडे भी देंगे। ओ, तीन हमारे पास काओ और तीन हमारे पास भैंस हो गई हैं। ठीक है, अभी एक काम करते हैं कि जल्दी से ना मेलन सीड और पम्पकिन सीड को उगा देते हैं ताकि ये भी हमारे किसी काम आ जाएं। और ये कहाँ से आ गया? अभी साइड हो जा, अभी मैं काम करूँ, अभी मत आओ मेरे पीछे। ठीक है, तो जल्दी से एक काम करते हैं कि हम ना मेलन सीड को यहाँ पे उगा देते हैं। तो दो हमारे पास सीड थी तो दोनों को उगा दिया मैंने यहाँ पे। अब हमारे पास दो और सीड हैं, वो हैं पम्पकिन के, तो उनको भी उगा देते हैं। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं। तो पम्पकिन के सीड हम उगाएंगे यहाँ कहीं पे, यहीं पे। तो एक काम करते हैं कि पम्पकिन सीड को यहाँ पे उगाते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें यूज़ करना पड़ेगा डर्ट को, और यहाँ पे हमें पम्पकिन सीड उगानी पड़ेगी। ठीक है, ये नहीं उग रहा क्योंकि हमें होए की ज़रूरत है, और होए अभी भी यहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से होए उठा लो। होए, ये लो उठा लिया इसको मैंने। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, होए का यूज़ करेंगे। अब इसमें हम पम्पकिन सीड को उगा सकते हैं। ठीक है, अब वेट करेंगे कि ये पम्पकिन सीड कब तक बड़ा होता है, और फिर हमें पम्पकिन मिलेंगे तो और भी ज़्यादा उगा सकते हैं। ठीक है, तो चलो, शुगर केन को उगाने के लिए हमें नॉर्मल सैंड की ज़रूरत है, जो कि हमें मिल गया था episode 3 में। तो वो नहीं देखी तो वो देख लो, फिर तुम्हें समझ आएगी कि सैंड कहाँ से मिला था। और एक मिनट, यहाँ पे ना हमारे पास ग्रास ब्लॉक भी है। ग्रास ब्लॉक रखने का मकसद ये है कि अगर हम क्या करेंगे, डर्ट को यूज़ करेंगे, उसके साथ ग्रास ब्लॉक को लगा देंगे तो सारे के सारे ग्रास ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये भी ट्राई करेंगे हम। ठीक है, तो शुगर केन और बम्बू को उगाने के लिए हमें जहाँ पे जगह बनानी होगी, उसके लिए ये सैंड है ना, इसको हटा के ना अपना यहाँ वाइट वाला सैंड लगाएंगे, जो कि नॉर्मल सैंड होता है, तो वो लगाएंगे जिस पे ये उगेंगी। ठीक है, तो वो भी हैं हमारे पास जो कि मैं लेके आया हूँ। तो चलो ये चीज़ इससे यहाँ पे उगाते हैं। एक मिनट, ठीक है ये उग गया। अब इस पे हम शुगर केन को उगा सकते हैं। तो यहाँ पे शुगर केन को उगाते हैं। शुगर केन के बहुत सारा काम है, तो वो हमें
आगे चल के पता चलेगा। तो यहाँ पे एक मिनट, बड़ी जल्दी उग गया ये तो जल्दी उग रहा है यार। ठीक है, ये बम्बू को भी उगा देते हैं, ये भी हमारे काम आएगी। बम्बू को मैं जंगलों में भी उगाऊंगा ताकि थोड़ी सी ग्रीनरी हो, हरियाली टाइप की हो। तो चलो, अब यहाँ पे ये सब कुछ उगा दिया मैंने। हमारे पास फिश की भी एक ही जोड़ी है, तो फिश की भी जोड़ी वगैरह इंक्रीज करनी पड़ेगी अपने को। वैसे फ़िश बहुत ज़्यादा थे एपिसोड 3 में, बहुत ज़्यादा थे, मैं लाना भूल गया। वहाँ पे हम वापस जाके लेके आ सकते हैं, लेकिन मैं अब भी नहीं जाऊँगा, फिर कभी जाऊँगा, नेक्स्ट एपिसोड में मैं भी जाऊँ। तो ठीक है, रात भी हो गई है यार। तो मुझे क्या करना है, मुझे स्पाइडर ढूंढना है। स्पाइडर से हमें क्या मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा, जिसकी वजह से मैं बो बना सकता हूँ। दो स्ट्रिंग हमारे पास पड़ी हुई है, हमें एक और चाहिए, उसके बाद हमें बो बनेगा। बो अगर बन गया तो हमारे पास एरो तो वैसे भी आ जाती हैं, तो फिर हम आराम से मॉब्स को मार सकते हैं। अभी और मॉब नज़र नहीं आ रहे, तो मैं काम करता हूँ, जल्दी से एक शील्ड बना लेता हूँ। शील्ड क्या करेगा कि हमारी हिफाजत करेगा, यानी कि हमें मरने के हमारे चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो उसके लिए भी हमें प्लैंक्स की ज़रूरत पड़ेगी। प्लैंक्स कहाँ से लाऊँ, हमारे पास डार्क प्लैंक्स तो पड़े हैं, लेकिन वो नहीं लगाता मैं, इसमें ये वाली लगाता हूँ। तो यहाँ से ये मुझे प्लैंक्स मिल गए, और यहाँ से ये मुझे शील्ड मिल गया है, तो ये अभी हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। अब बताओ ये मॉब कहाँ है, मॉब एक मिनट, वहाँ पे है मॉब। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी आ जाओ बेटा, आ जाओ, तुम्हारी बैंड बजाता हूँ, आ जा। अरे अभी से ही मारने लग गया। ठीक है, अच्छा, मुझे वैसे भी शील्ड यूज़ करने की आदत नहीं है, मुझे थोड़ा सा ये अजीब सा लगता है जब मैं शील्ड का यूज़ करता हूँ। एक मिनट, अरे यार गधे को क्यों मार रहा है, गधे को मत मार, पहले हमारे पास एक ही जोड़ी है, इसको मत मार। अभी इसको मारना पड़ेगा, ताकि हम इसको मारेंगे तो भी तो हमें एरो मिल जाएगा, और एरो मिलेगा तो हमें बोन भी मिलेगा। ओह गॉड, आजा बेटा, ये भी मर गए। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमें ना एक काम करना होगा, स्पाइडर ढूंढना होगा। अरे यार ये कहाँ से आ रहे हैं, हमें एक स्पाइडर चाहिए यार। स्पाइडर मिलेगा तो स्ट्रिंग मिलेगा, और स्ट्रिंग मिल गया तो हम बो बना सकते हैं। और मुझे अभी तक स्पाइडर नज़र नहीं आ रहा, मुझे कहीं पे स्पाइडर नज़र नहीं आ रहा। तो अभी एक काम करता हूँ, कि वो काम ये करता हूँ कि हम मॉर्निंग का वेट करते हैं, सुबह हो जाए, फिर अपने बाकी काम भी करेंगे। हमें और भी ज़्यादा जंगलें उगानी पड़ेंगी। और कोई बाहर है जो मेरा वेट में है, अभी अंदर आएगा मुझे लग रहा है। एक मिनट, ये आ गया अंदर। अरे ज़ोंबी के बच्चे तू मत आना। मुझे क्या चाहिए, मुझे ना चाहिए क्रीपर, चाहिए क्रीपर नहीं चाहिए मुझे, मुझे मुझे क्या चाहिए, मुझे स्पाइडर चाहिए। चलो सुबह हो गई है, चलो बाहर चलते हैं, सुबह हो गई, बाहर चलें। ओके, तो हमारे एनिमल्स एक एक करके बढ़ रहे हैं, और भी इनको बढ़ाना पड़ेगा। ओहो, एंडरमैन भी आ गया यहाँ पे, गाय भी हो गया। इसके हाथ में क्या है, अगर इसके हाथ, अरे यार ये वो अपना वाला सैंड है, और वहाँ पे भी हमें एक मिनट, ये तो वैसे ही मर गए, मुझे मारने की इनको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये ऐसे ही मर गए, हमें बोन और एरो तो वैसे भी मिल जाएंगे। और ज़ोंबी से हमें कुछ नज़र में कुछ भी नहीं मिलता ज़ोंबी से यार, हमें खाने के अलावा। वैसे भी इसके जो गोश्त है ये मुझे खाने का दिल भी नहीं है। तो चलो यार, ट्रीज को काटना शुरू करते हैं, और सैपलिंग इकट्ठा करना शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे पूरा जंगल बनाना है, पूरा एक तरह से पूरा जंगल बनाना है मुझे। चलो शुरू हो जाते हैं। तो लास्ट के ये दो रह गए, अब क्या होगा कि हमने सारे के सारे प्लैंक्स इससे हटा दिए, तो अब ये अपने आप इसके सैपलिंग गिरेंगे। और यहाँ पे जो स्लाइम है इसको तो मारते हैं यार, इसने बड़ा तंग किया हुआ है मुझे। चल आ जा, तेरी बैंड बजाते, इसको मारना बहुत ही ज़्यादा आसान है। चल 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 चल, अब ये दो टुकड़े होगा, ये देखो अब ये चार हो गए थे। तो चलो अभी ये बढ़ते जा रहे हैं। अबे बस करो, मेरे पास वो ख़त्म हो गया है, तलवार ख़त्म हो गई है हमारे पास, मुझे और तलवार बनानी पड़ेगी। वैसे भी यहाँ पे ना आयरन की कोई कमी नहीं, इतना ज़्यादा आयरन पड़ा है ना इस मार्स प्लैनेट पे, इतना ज़्यादा आयरन पड़ा है ना, मज़े हैं हमारे। तो यहाँ से एक स्टिक मिला, और ये देखो एक सैपलिंग मिल गई है हमें यहाँ से। मेरे पास 3 और भी थे, तो 4 हो गए, तो डार्क सैपलिंग हमारे पास 4 हो गए, तो हम उगा सकते हैं ट्री, वरना नहीं उगा सकते। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना ये ट्री उगाते हैं, लेकिन इसके लिए भी हमें डर्ट की ज़रूरत है, और डर्ट नहीं है हमारे पास, तो मुझे वो लानी पड़ेगी डर्ट।
तो डर्ट भी मुझे बहुत सारा चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास काफ़ी पड़ा है, हम छोटा सा जंगल बना सकते हैं, जंगल टाइप का छोटा सा बना सकते हैं। तो ठीक है, अभी मैं काम करता हूँ। ओए एक और मिल गया मुझे, सैपलिंग मिलती जा रही है, ऊपर से गिरते जा रहे हैं। तो एक तो यहाँ पे उगाते हैं, हमारे पास ब्रिज पड़ा हुआ है तो वो उगा लेते हैं हम। तो ये मिल गया, एक तो ये उगा दिया और ये उग गया। ये देखो बोन मील का यही तो काम है यार, इतना मज़े की चीज़ें नहीं है ये, जल्दी से जल्दी चीज़ों को ग्रो कर देता है, हमें ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखो, अब इसके मैं काम करूँगा कि इसके प्लैंक्स को भी हटा दूँगा, तो जिसमें इससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा सैपलिंग मिलेगी और जंगल उगाने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी। तो अब हमें एक मिनट, तो अब हमें बेड बनाना है, लेकिन वो देखो यार, एक मिनट, स्पाइडर मिल गया और क्रीपर भी है अंदर। एक मिनट, स्पाइडर को मारने दो, फिर मैं बताता हूँ मुझे क्या करना है। चलिए जरा इधर, मुझे स्ट्रिंग चाहिए, एक स्ट्रिंग मिल जाए, मुझे बो बनाना है, स्ट्रिंग मिल जाए एक। नहीं मिला यार। हाँ मैं क्या कह रहा था, मुझे बेड बनाना है लेकिन ये क्रीपर अंदर है, फटना नहीं। और मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, अगर मैंने रिस्क लिया ना, ये सारे के सारे ये एनिमल्स मर जाएंगे। अभी हमारे पास ग्रास ब्लॉक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक लैन बनाता हूँ, पूरा डर्ट का लैन बनाता हूँ, जिसको हमें पूरी तरह ग्रास ब्लॉक बनाना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारा मार्स प्लेनेट है वो आस्ते आस्ते कन्वर्ट होता जाएगा, इसके जो सारे के सारे सैंड हैं वो कन्वर्ट होते जाएंगे डर्ट में। अब डर्ट में कैसे कन्वर्ट होंगे, तो वो ये है कि मैप का कुछ बनाया इस तरह गया है कि इसमें अगर हम सारी चीज़ें कर पाएँ जो कि हम नॉर्मल प्लेनेट पे करते हैं, जो कि हम अपने अर्थ पे करते हैं, तो ये सारा का सारा अर्थ जैसा कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, अपने ग्रास ब्लॉक को यहाँ पे लगाते हैं, इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा ग्रास ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो हो सकता है ये हमारे बाकी सैंड को भी कन्वर्ट कर दे डर्ट में। जब डर्ट में बाकी सैंड कन्वर्ट हो जाएंगे तो पूरा का पूरा प्लेनेट ग्रीनरी हो जाएगा। अभी रात हो रही है तो मैं अंदर जा रहा हूँ, सोने। ये देखो कौन आ गया, हेलो सर, कैसे हो सर? बासुन। मर जा। अरे यार ये भाग गया, ये मैंने लगता है गलती कर दी। बस कर जा, मुझे डर लग रहा है, बस कर। ओह चला गया। ओए अभी भी अंदर है क्या? चला गया। ओए नहीं, चला गया, फाइनली चला गया। बहुत हो गया यार, मुझे अब बेड चाहिए। अब मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ उस क्रीपर से लड़ने। यार हद होती है, अभी तक ये अंदर है। बहुत हो गया, अरे आजा बाहर। अब भागो यहाँ से, भागो, ये फट जाएगा। जल्दी, दूसरी तरफ से निकलते हैं और जल्दी अपने गेट को बंद करते हैं, ये ना हो कि हमारे एनिमल्स चले जाएँ। अब मैं अपने एनिमल्स को भी खोना नहीं चाहता, तो जल्दी गेट को बंद कर दो। वाह, हमारा प्लान काम किया, हमारा प्लान काम कर लिया। वाह यार, सारे दोस्तों को भी बचा लिया हमने। और ये देखो एंडरमैन, अब बार बार एंडरमैन आ रहे हैं यहाँ पे। अब देखो एक काम करते हैं कि वो काम ये करते हैं कि यहाँ से सैपलिंग उठाना शुरू करते हैं, और सैपलिंग मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर हम अपने बाकी काम भी कर सकते हैं, यानी कि हम ट्रीज़ को उगा सकते हैं। देखो बेड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि बेड बनाने के लिए हमें वूल चाहिए, जो कि हमें मिलेगा शीप से। और शीप, अरे यार ये बाहर चला गया। ठीक है, शीप हमें तीन मारने पड़ेंगे, तो एक वूल मिल गया हमें, इस तरह के दो वूल और चाहिए मुझे, तो दो मिल गए हमें। तीन वूल के बाद ना अब हम बेड बना सकते हैं। ये देखो बेड बन गया है, फाइनली हमारा बेड बन गया। तो अभी मैं इसको रखता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे रखता हूँ। ओके यहाँ पे रखते हैं, ठीक है अभी यहाँ पे रखते हैं, फिर इस रात होगी तो हम फिर सो जाएंगे यहाँ पे। तो फाइनली बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ना मैं फाइनली वापस आ गया हूँ। और ये देखो पूरे के पूरे घर को हमने साफ कर लिया, क्योंकि अंदर वाले सामान का कोई काम नहीं था, और मैंने बेड भी अंदर कर दिया है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ बाहर क्या है, बाहर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हुई है। इस तरह वो चेंजिंग हुई है कि हमारे एनिमल्स देखो कितने ज़्यादा हो गए हैं। और ये देखो मैंने काफ़ी ज़्यादा नए ट्रीज उगा दिए, मेरे पास डर्ट ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी ज़्यादा ट्रीज उगा दिए। और यहाँ पे बम्बू उग सकते हैं तो वो भी उगा दिए, और यहाँ तरफ इस तरफ भी हमने काफ़ी ज़्यादा ट्रीज उगा दिए, यानी कि हमारा काम कर रहा है और अच्छे से काम कर रहा है। हमारा काफ़ी ज़्यादा प्लेनेट अर्थ की तरह कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी भी ये जो ब्राउन सैंड है ना, तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब ब्राउन सैंड भी कन्वर्ट हो जाएगा डर्ट मैन, तो इसका मतलब है हम अपने मिशन में सक्सेसफुल हुए हैं। तो इसी तरह हमें और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी,
और इस साइड भी देखो ट्रीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा उग गए हैं, और ऐसे ही ट्रीज़ हमें और उगाते रहना है और पूरे अपने इस प्लेनेट को ना भर देना है ट्रीज़ से। और अब पूरे प्लेनेट पे हम ट्रीज़ उगा नहीं सकते, लेकिन अगर हमारा ये प्लेनेट जैसे कन्वर्ट होने लगेगा, डर्ट की तरह कन्वर्ट होने लगेगा, तो हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें एक लास्ट चीज़ दिखाता हूँ, वो ये है कि हमने ग्रास ब्लॉक लगाए थे ना, वो पूरी तरह काम कर गया और उसमें मैंने ट्रीज़ भी उगा दिए हैं, और हमारा सारा डर्ट वहाँ पे ज़ाया हो गया। लेकिन फिर भी चलो हम डर्ट और लेके आएंगे, और ये देखो ये पूरा का पूरा ना ग्रास ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया है। वाओ, और भी बहुत कुछ हमें करना है, लेकिन वो करेंगे हम अगले पार्ट में। आई होप यार तुम्हें मज़ा आया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो इस वीडियो को लाइक कर दो यार, इस वीडियो में मुझे लाइक्स चाहिए, 10,000 लाइक्स चाहिए, तो कर दो यार। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल आई एम खलील को, और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो चलो यार, आज के लिए इतना ही, बाय।